हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्कैप वेलोसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशन वेव्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अपना फ्री फॉल क्या होता है, ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। हमें ये जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है, आज इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है आप लोग के लिए। और अगर आपने हमारे बाकी के 6 लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके अभी देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उसमें IMP ट्रिक्स के साथ आपको बताया गया हुआ है कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये 7वां लेक्चर पर्टिकुलर का, ये आज आप लोग का ये आखिरी लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। फिर आने वाले में आपको नेक्स्ट चैप्टर का मिलेगा, क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आज हम फर्स्ट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा ग्रेविटेशनल वेव्स। ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है कि डू यू नो टॉपिक है, ये वैसे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मालूम रहना चाहिए हम लोग को। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, आइए देखते हैं। वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इनटू इट। सिमिलर यू मस्ट हैव बीन सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट एंड्स आर हेल्ड इन हैंड एंड इट इज सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि आप एक किसी तालाब में या तो कहीं एक समुद्र में आप किनारे बैठ के उसमें आप एक पत्थर मारिए, पत्थर जो पत्थर रहेगा जिस पानी के पॉइंट ऑफ व्यू पर जाके गिरेगा वहाँ पे आपको कुछ हलचल दिखेगा, उस हलचल को हम वेव्स कहते हैं। वही इधर बताया हुआ है कि अगर आप सरफेस ऑफ वाटर पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो वहाँ पे भी आपको पानी का हलचल दिखेगा, मतलब वहाँ पे सरफेस ऑफ वेव्स वहाँ पे दिखेगा आपको। और एक प्रकार का वेव्स और होता है जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, आइए उसे भी देखते क्या है। लाइट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, इन्फ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जेक्ट्स इमिट्स दिस वेव्स एंड वी रिसीव देम यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज़ बीन ऑब्टेंड थ्रू दिस वेव्स। इसका मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होता है जिसमें कि गामा रेज आता है, एक्स रेज आता है, अल्ट्रावायलेट रेज आता है, इन्फ्रारेड रेज आता है। ये सब जो रेज होते हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स होते हैं। और कुछ एस्ट्रोनॉमिकली जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेव्स को अपने पास रिसीव करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार की, जिसको कि आज के लैंग्वेज में हम लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि रडार। आप लोग रडार अगर मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी आगे हम बताएंगे रडार क्या होता है। तो ये सब रडार सिस्टम तैयार किए, उसके ऊपर गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस आके टकराए, वहाँ पे सेव्स बने, तो एस्ट्रोनॉम को मालूम पड़ा कि ये सब इस रे है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। आगे पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, दिस हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। जो ग्रेविटेशनल वेव्स है बहुत डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकारों के वेव्स है, और जो इसका जो फैब्रिक स्पेस टाइम है वेरी हाई होता है। आगे देखते हैं, आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड दिस एक्सरसाइज इन 1916। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आइंस्टाइन था, उन्होंने सन 1916 में ही प्रेडिक्ट किया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, लेकिन उस समय रिसर्च नहीं हुआ था। आगे, दिस वेव्स आर वेरी वीक एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं बहुत एकदम रेरर मीडियम होते हैं, इसके लिए इनको डिटेक्ट करना इतने सबके बस की बात नहीं होता है कि कोई भी इसे डिटेक्ट कर सके, इतने मतलब भी पतले होते हैं। फिर साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्ट एक्सटर्नली सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स इमिटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकली सोर्सेस। फिर क्या हुआ, फिर कुछ साइंटिस्टों ने मिलकर ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार किया, कंस्ट्रक्ट किया कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर ले एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस से। अगर आपको मालूम होगा, अगर आप किसी एक होशियार व्यक्ति को हराना चाहते हो तो आप भी वो होशियार है तो आप उसका 2 गुना होशियार बन जाए, तभी जाके आप उसे हरा सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने भी यही काम किया कि ये जितना पतला वेव्स था उसके भी कई गुना पतला इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किया कि ये जो वेव्स है इसके ऊपर आकर टकराए और हमें मालूम पड़े कि ये कौन सा ग्रेविटेशनल वेव्स है। तो सबसे पहला साइंटिस्टों को जो वेव्स मिला होता है लीगो नाम का। लीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, लेसर इंटरफॉर्मेटिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। फिर देखते हैं आगे क्या, इज द प्रमोटिव वन, ये पहला वेव मिला था।
फिर एक्सैक्टली आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ देयर प्रिडिक्शन साइंटिस्ट डिटेक्ट दिस वेव्स कमिंग फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिक सोर्सेज। जैसा कि आप लोग यहाँ पढ़े होंगे, आइंस्टाइन जो 1916 में प्रेडिक्ट किए थे कि ग्रेविटेशनल वेव होता है, ठीक उसके 100 साल बाद लीगो नाम का वेव्स को डिटेक्ट किया गया। मतलब उनकी जो प्रेडिक्शन थी आइंस्टाइन की, वो सही साबित हुई। फिर इंडियन साइंटिस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी हैज़ ओपेंड अ न्यू पाथ टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस यूनिवर्स। इसको 2016 में डिटेक्ट किया गया हुआ था इस लीगो नाम के वेव्स को, और इसको जिसने डिटेक्ट किया था इंडियन साइंटिस्ट होते। इंडियन साइंटिस्ट का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल था। उन्होंने ही इसकी पूरी डिस्कवरी को लिखा था और यूनिवर्स के इन्फॉर्मेशन को भी बताने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ग्रेविटेशनल वेव्स टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है इम्पॉर्टेंट कि आपके यूनिट फर्स्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, फ्री फॉल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल नॉर्मली तरीके से देखिए, मेरे हाथ में एक पेंसिल है, इसको बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, मतलब ऊपर से कोई किसी भी ताकत लगाए बिना इसे मैं छोड़ दूँ तो ये नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच ली। ये सब हम लोग फर्स्ट लेक्चर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े हैं, लेकिन इधर क्यों रिकॉल कराया जा रहा है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप एक पत्थर लो, आप अगर इतना पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आप एक स्टोन लो, स्टोन को हवा में उछालोगे इस तरीके से नॉर्मल पोजीशन में रखो और उसको धीरे से छोड़ दो बिना कोई ताकत लगाए, वो स्टोन ज़मीन पे गिर जाएगा। क्यों गिर गया? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे लगा था, उसको ग्रेविटी अपने तरफ अट्रैक्ट की। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है कि जो ग्रेविटी होती है वो ट्रू फ्री फॉल है या नहीं ट्रू फ्री फॉल है, ये भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि फ्री फॉल वही मुमकिन है जहाँ पे वैक्यूम एरिया। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है, ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बॉयंट फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दॉस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इज वैक्यूम। सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है। सबसे पहली बात, वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब ये होता है कोई ऐसी जगह जहाँ ना ऑक्सीजन हो ना कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो ऐसी तो जगह पृथ्वी पर तो खोजने में भी नहीं मिलेगी, तो किधर मिलेगी? अंतरिक्ष में। ये सब अंतरिक्ष में ही पॉसिबल होते हैं कि फ्री फॉल। अगर आपको इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझना है तो मैं आपको एक मिनट समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड देखिए क्या होता है ये, मुझे दुमी देख दिख रहा हो। ये समझ लीजिए कि हमारा ये समझिए, एक ज़मीन है, यहाँ पे एक पेड़ का पत्ता है, इधर एक हाथी है, ये हमारा नॉर्मल ज़मीन है। अगर यहाँ से हाथी को छोड़ दिया जाए तो हाथी भी अर्थ पे गिरेगा, पत्ते छोड़ दिया जाए पत्ता भी अर्थ पे गिरेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या रहेगा? हाथी को हम छोड़ेंगे तो हाथी का मास और वेट दोनों ज़्यादा रहेगा, इसलिए हाथी पत्ते से पहले गिर जाएगा। और यहाँ पे और पत्ता लेट क्यों गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू एयर रहेगा, हवा रहेगा। तो पहली बात तो पत्ते को एयर के फ्रिक्शन से सामना करते करते फिर उसके फ्रिक्शन से एरिया से बाहर निकल के फिर उसको ग्रेविटी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस पोजीशन में फ्री फॉल नहीं लगेगा। इसका फ्री फॉल का मतलब नहीं होता कि कोई चीज़ आप ऐसे छोड़ दो बिना फोर्स लगाए नीचे गिर गया तो फ्री फॉल, वो फ्री फॉल नहीं होता। फ्री फॉल वो चीज़ होती है कि आप समझिए, ये समझिए घर है, ये घर का एक छत है, यहाँ पे एक हाथी ले लो, एक पेड़ का पत्ता ले लो। अभी ये जो छत है और ये जो घर है यहाँ पे ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे हाथी को भी ऊपर से एक साथ छोड़ो और पेड़ के पत्ते को भी एक साथ छोड़ो तो दोनों ज़मीन पे एक साथ आके गिरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है ना यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो इसके लिए यहाँ पे हाथी का मास वेट कुछ काम नहीं आने वाला है। दोनों एक साथ अगर एक ही टाइम पे आके गिरे तो उसी को हम फ्री फॉल कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फ्री फॉल का टॉपिक समझ में आया होगा। यही फ्री फॉल चीज़ है। अगर आपको फ्री फॉल का सबसे और यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे तीन फार्मूला लिखा है, V=GT, S=1/GT² V² =TG², ये तीनों फार्मूले याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको एक लिंक मिलेगा,
https://www.youtube.com ये जो लिखा है आगे, इसको आप लिंक यूट्यूब पे सर्च करके इसका आप फ्री फायर का लाइव एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, अगर देखने के लिए आप इच्छुक हैं तो। इस पेज पे आपको सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल हम अभी नहीं करवाएंगे, सॉल्व एग्जांपल के लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे उसमें सारे सॉल्व एग्जांपल कवर करवा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो टॉपिक है इसको हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, इस टॉपिक का इसमें यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में कुछ खास ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम में भी वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे एक हमारा रिवाइज हो जाए जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। देखते हैं क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, आप लोग को अगर 9th अगर आप लोग को पढ़े होंगे कुछ याद होगा तो दो टाइप की एनर्जी होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। पहली बात समझ लेते कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंसेस बिटवीन क्या है, ये देखिए यहाँ समझिए आप, ये एक डैम है ठीक है, इसमें पूरा पानी रखा हुआ है, ये डैम है इसमें पानी रखा हुआ है, तो ये जो वाटर है ये डैम के अंदर है और डैम के अंदर वाटर है, तो ये अपने एक पोजीशन में, डैम अक्सर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में हो या तो इस फॉर्म में हो, तो मतलब उसमें वाटर एक अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तो अब यहाँ पर कौन सा एनर्जी लगेगा, यहाँ पर लगेगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी बंदा जाए एक गोली मार दे इस डैम के ऊपर, तो गोली मार देगा डैम पे हो जाएगा छेद, तो यहाँ से धीरे धीरे सारे वाटर बाहर निकलने लगेंगे। अगर धीरे धीरे सारे वाटर बाहर निकलेंगे तो इस डैम के और बाहर के एरिया में वाटर जब जाएगा, तो जब जाएगा तो यहाँ पे एक मोशन क्रिएट होगा, इसमें भी एक मोशन क्रिएट होगा कि ये पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मोशन क्रिएट होगा, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पिछले साल पढ़ा था क्या है, MgH, लेकिन इस साल इस फार्मूले का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है क्योंकि अब हम 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो हमें एडवांस फार्मूला चाहिए, तो यहाँ पर एडवांस फार्मूला क्या लिखा है, माइनस GmgMm अपॉन R प्लस है, ये जो माइनस है ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन माइनस प्लस चेंज होते रहता है, तो इसका टेंशन नहीं लेने का। मुझे उम्मीद है कि पोटेंशियल एनर्जी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब स्कैप वेलोसिटी समझते हैं कि क्या है, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए यहाँ पे 10th में रिवाइज करवाया गया है क्योंकि स्कैप वेलोसिटी में डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, उसके मदद से आपको डेरिवेशन सॉल्व करने में थोड़ी सी ईजी पड़ेगी। स्कैप वेलोसिटी क्या है, स्कैप वेलोसिटी वो ऐसी चीज़ है कि आप अज्यूम कीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं उस बॉल को इतने तेज़ी से ऊपर फेंक दूँ कि वो दोबारा लौट के ना आए। एक मिनट मैं आपको सब समझाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अर्थ है ओके, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, अभी इसके हाथ में एक ये बॉल है, अभी ये जो लड़का है ये बॉल इतने तेज़ी से फेंक दे कि ये बॉल दोबारा कभी अर्थ के ऊपर लौट के ना आवे, तो ये भाई पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि कोई कितना भी तेज़ी से बॉल फेंको कि वो दोबारा अर्थ पे आएगा ही, क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटी को पार नहीं कर पाता। अगर आप अनदर हैंड देखें, मतलब एक दूसरा साइड देखें, तो आप देखेंगे कि रोज़ाना आए दिन नए नए सैटेलाइट लॉन्च होते रहते हैं। अभी ये जो अर्थ है यहाँ पे समझ लो हमारा कंट्री इंडिया है, यहाँ से अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाए और ये अंतरिक्ष है, तो ये यहाँ पे जाके सैटेलाइट ये स्थिर हो जाएगा, फिर ये दोबारा अर्थ पे नहीं आएगा। तो ये जो सैटेलाइट जो गया है इसमें, इसको स्कैप वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक बार अर्थ से चला गया दोबारा अर्थ पे नहीं आने वाला, तो ये स्कैप वेलोसिटी है। स्कैप वेलोसिटी का याद रखने का एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि देखो स्कैप वेलोसिटी याद रखने का, इसका पूरा रट्टा मत मारो, सिर्फ एक चीज़ समझो, स्कैप वेलोसिटी का याद रखने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ऐसी जो भी चीज़ हो जिसे अर्थ से एक बार ऊपर फेंक दिया जाए और दोबारा लौट के ना आवे, उसी को हम स्कैप वेलोसिटी कहते हैं। कितना छोटा डेफिनेशन है ना, तो टेंशन नहीं लेने के साथ, छोटे छोटे टॉपिक है, फिर से सुनो, स्कैप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट कि जिसे एक बार अर्थ से या पृथ्वी से, जो भी इंग्लिश हिंदी पकड़ लीजिए आप, अगर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो ऊपर रह जाए नीचे ना आवे, तो भाई ये मुमकिन कम है क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर इससे तेज हम फेंकेंगे तभी वो जाके अनदर मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी का क्षेत्र है उसको पार करके जाके अंतरिक्ष में रुकेगा। जैसा कि हमें आप लोगों को बताया था स्कैप वेलोसिटी का हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, तो आइए और डेरिवेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। डेरिवेशन क्या होता है देखते हैं, हम लोग ने पिछले साल पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी,
नाइन्थ स्टैंडर्ड में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। आप लोग को उसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिया था। फार्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv स्क्वायर स्केप, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था। उसके बाद एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था। किसका फार्मूला था? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था। उसको तो हम लोग अभी देख के ही आ रहे हैं। तो उसका क्या फार्मूला था? gmm/r। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अगर हमें इसका डेरिवेशन सॉल्व करना है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? टोटल एनर्जी कर देंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका क्या है? 1/2 mv स्क्वायर, और ये प्लस में, और इधर ये माइनस gmm/r। अब देखिए 1/2 mv स्क्वायर प्लस माइनस माइनस gmm/r, ये हमें मिल गया टोटल एनर्जी। ये हमें क्या मिल गया? टोटल एनर्जी हमें ये मिल गया। अब देखते हैं, इसका यहाँ से मेन डेरिवेशन सॉल्व होता है। ये जो टोटल एनर्जी है इसको अब लेके आते हैं। 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू के इधर रखते हैं gmm/r को रखते हैं। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे आप देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ हम काट सकते हैं। तो क्या, अगर आप ध्यान दोगे तो m और m हम काट सकते हैं। अगर mm काट दिए तो हमारे पास क्या बचा? v² / 2 इक्वल टू gmm/r। आप क्या कर रहे हैं, ये जो 2 है, 2 को हम gm के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 gmm/r इधर बच गया v² स्केप, क्योंकि यहाँ स्केप लिखेंगे हम लोग, स्केप लिखेंगे क्योंकि वहाँ फार्मूले में था। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख, इस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट किसका लेंगे? अब यहाँ पे जो हम लोग v² स्केप है, तो यहाँ पे कर लेते हैं वी स्केप इक्वल टू √2gm/r। ये रहा हमारा डेरिवेशन, और ये फार्मूला है इस तरीके से। इसका फार्मूला भी, मैं आपको एक इक्वेशन भी इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो फार्मूले का मतलब आपको समझ में आएगा। फिर देखते हैं निकला कैसे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डाले 1/2 mv² स्क्वायर, फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डाले इक्वल टू -gmm/r। टोटल एनर्जी दोनों को हमने एडिशनल करके निकाल लिया। बाद में जो वैल्यू मिला उसको यहाँ पर लाए, कॉमन को काट के निकाल दिए। बाद में यहाँ पे आ गया 2, तो हमने 2 से नीचे वाले डिनोमिनेटर से निमोनिनेटर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला, यहाँ पे स्क्वायर था, तो हमने आगे एक स्टेप लेते हुए टेकिंग स्क्वायर रूट लिया। ये जो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट में बन गया। ये मिल गया फार्मूला, ये फार्मूला है। अगर देखो, अगर आपको स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है तो आपको ये दिया रहेगा, अगर ये स्क्वायर वेलोसिटी दिया रहेगा तो आपको ये निकालना है, चाहे ये दे चाहे वो दे, आप एक चीज़ निकाल लोगे। आओ मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले इक्वेशन का क्वेश्चन देख रहे थे कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। देखिए, आप लोग को मालूम है क्या कि हमारी जो अर्थ की जो ग्रेविटी है कितने पर सेकंड पे है? तो आइए देखते हैं इस फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला क्या कहता है, इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, 2gr भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं होती। ये देखिए स्केफ, सॉरी सी √2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी कितनी हमारी है? 9.8। हमें रेडियस मालूम है, हमने लेक्चर नंबर फोर्थ हमने इसको था पढ़ा, 6.4 × 10^6 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके, अगर इसको देखो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पावर के साथ कर देना, नहीं काम करना, इसको करने बाद दोनों को इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो मिला ना, ये हमें क्या मिला? इसके वी स्क्वायर मिला। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर सेकेंड के स्क्वायर से ऊपर जाएगा तभी वो ग्रेविटी को छेद करके उस पर चला जाएगा, वरना वो अर्थ की ही ग्रेविटी पे रह जाएगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ग्रेविटेशनल वेव्स और स्काई वेलोसिटी, फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये चारों टॉपिक समझ में आया होगा। क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या निकाला जाता है। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो 9.8 है, लेकिन उसको चीर के हमें जाना रहेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्क्वायर से अगर ऊपर जाएंगे तो ही हम अर्थ की ग्रेविटी को पार कर पाएंगे। ये सब आप लोग को आज के वीडियो में सीखने को मिला होगा। और ग्रेविटेशनल वेव्स कितने प्रकार के होते हैं भी आप लोग को मालूम पड़ा होगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो जाता आप हमें कमेंट बॉक्स कर दीजिए, या तो लिंक में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का हमारे लिंक है, वहाँ आप जाके हमसे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई देने की पूरी 100% अपनी कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।